सो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और हर्ष चौहान की नई वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल एकदम सही पड़ा कि भाई टॉप मॉडल क्यों लो जब बेस मॉडल में सब कुछ आ जाता है। मेरे पीछे जो खड़ी है भाई, वो बलिनो का टॉप मॉडल है। तो उस टाइम मैं तो पागल था जब मैंने टॉप मॉडल ले लिया, बट अब रिग्रेट करता हूँ। एनीवेज पूरी वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहता था। और यार कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है। और होली का सरप्राइज दे दो यार, 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा दो। बस इतना ही बोल सकता हूँ, ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। तो चलो यार बिना टाइम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई का एकदम फेमस डायलॉग कौन सा? नगर पालिका पहले गड्ढा भाई, मतलब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालत खराब करके रखिए, क्योंकि इतनी ज्यादा हो गई है कि मतलब समझ भी नहीं आ रहा। और भाई का चैनल पहले भाई की खांसी सुरक्षित करो। सो गाइस, ये है बलिनो का जो बेस वेरिएंट आता है, यानी कि बेस से ऊपर आता है डेल्टा। सिग्मा से ऊपर जो होता है उसे डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है। आपको देख रहा होगा पीछे जो है इसमें सी टाइप हेडलैम्प्स नहीं है, सॉरी टेल लैम्प्स नहीं है। तो ऐसी कुछ है ये गाड़ी, और ये गाड़ी भी मेरी है। पेड़ की वजह से बहुत ज्यादा गंदी हो रखी थी मामा जी गाड़ी है बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हेडलैम्प्स इंस्टॉल करे गए हैं टॉप वेरिएंट के, यानी कि जो अल्फा वेरिएंट आता है उसके हेडलैम्प्स इंस्टॉल करे गए। तो ऐसे कुछ वो दिखते हैं। अब अरन से बोलूंगा एक बार चला दो, यहाँ पे आप देख सकते हो हालत गाड़ी की कितनी ज्यादा गंदी हो रही है यार। तो अब वो जैसे ही गाड़ी को चलाएगा, तो उसके बाद जैसे ही चलाएगा उस ही इसके जो डीआरएल से ऑन हो जाएंगे। यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं डीआरएल कैसे ऑन होते हैं गाइस, तो अब जैसे वो ऑन करते हैं, और रात का रिस्पॉन्स में आपको दिखा दूंगा थोड़ा बहुत वीडियो में। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ऑन करिए, उसके बाद जो है इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की जो टेल डीआरएल हैं वो जल जाती हैं। तो गाइस आप खुद भी करा सकते हैं, ओमकार भैया ने करा है सारा काम, ओमकार एसेसरीज पे मोहित भैया ने करा है। तो ऐसे कुछ है, इसमें 3-4 वेरियंट्स आते हैं, आप खुद लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में। इधर का एक बार दिखाऊंगा गाइस आपको, तो इधर का भी अंदाजा लग जाएगा कि बेसिकली कुछ ऐसे रहने वाले हैं ये। और इन्हें एक बार लाइट जलाइयो, लाइट जलाइयो। सो गाइस जैसे लाइट जलाते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जो है थ्रो अच्छा आ रहा है। रात को एकदम अमेजिंग जलते हैं, तो काफी ज्यादा बढ़िया। आप एक और चीज करवा सकते हैं गाइस, नीचे के जो है यहाँ पे आप इनको भी चेंज करवा के व्हाइट करवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ है जो ये हेडलैम्प्स हैं, रात को इनकी रोशनी बहुत ज्यादा अमेजिंग आती है गाइस। इधर से आपको दिख रहा होगा, और वारंटी वारंटी कुछ वॉइड नहीं होती, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, वारंटी वॉइड हो जाएगी गाड़ी की, ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस। तो ऐसे आप लगवा सकते हैं इसमें। अब जो नए आ रहे हैं उनमें तो आ रहे हैं ऑलरेडी, बट जो पुराने भाई लोग हैं वो अगर लगवाना चाहते हैं लगवा ले। बट इनकी जो लाइट है बहुत ज्यादा अमेजिंग, क्योंकि नए वाले में एलईडी आ रही है, एंड ये जो है एचआईडी रहने वाली है, तो इसकी बहुत ज्यादा अमेजिंग जो रोशनी आती है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। तो भाई लोग, जैसे कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने बताया कि यार जो बलिनो का है अपना, आपको टॉप मॉडल क्यों नहीं लेना चाहिए। यार सब कुछ बाहर से अवेलेबल है, हेडलैम्प्स लगवा सकते हो आप, एंड्रॉइड स्टीरियो लगवा सकते हो, अलॉय व्हील्स लगवा सकते हो, बीच का लगवा सकते हो। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ एक एमआईडी क्लस्टर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप चेंज नहीं करवा सकते आपकी गाड़ी में। जो टॉप वेरिएंट में मिलता है आपको बेस में नहीं मिलेगा। तो थोड़े समझदार बचो, अपने 3-4 लाख बचाओ रुपए, और बेस वेरियंट ले लो या उससे थोड़ा ऊपर ले लो, और सदा सुखी रहो। तो आपको अगर देखना है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, तो भाई नीचे कमेंट कर देगा, मैं वीडियो भी लाऊंगा। एनीवेज भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है पसंद आई, पसंद आई तो शेयर सप्लाई करना मत भूलिएगा। बाय बाय।